गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त साहू। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा दोस्तों, तो ये 2012 में एक रिज़ल्ट आया 143। तो यहां से 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 2018 में यहां पर 760, यानी कि इससे 8 साल जब आप पीछे को आएंगे, सॉरी 7 साल, तो यहां पे 143 है 760 से। इसी तरह जब यहाँ ये 840 के नीचे जो रिज़ल्ट आना है हमारा, तो देखें दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सिस्टम चल रहा है, कि सीक्वेंस चल रहा है, जिसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो टोटल को दोस्तों प्लस किया तो बना 9, फिर इसके क्रॉस में, जस्ट क्रॉस में दो टोटल को प्लस करके, जैसे ये 0 प्लस 9 तो 9, फिर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, फिर इसके क्रॉस में 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 के। देखिए दोस्तों, जब ये 9 बना तो लास्ट डिजिट क्या है? 9। जब ये 8 बना तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 8। तो ये 8 भी आ गया। अभी जब यहाँ पे हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए? 7, ठीक है, क्योंकि ये 7 दो डॉट का ऑलरेडी हो चुका है, तो ये 7 यहाँ पे लास्ट में आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखें एच में क्या आया, सीधा सीधा देख लेते हैं। 4, ये 4, और अभी यहाँ पे 4 आना चाहिए। 4 क्यों आना चाहिए, उसका भी रीज़न मैं अभी आपको बता दूंगा और क्लियर भी कर दूंगा। अभी जब 9 गेम में आया, यहाँ से ये 9 बना, 9 लगा लास्ट में, तो इसका होम भी गेम में आया। जब ये 8 लगा तो इसका होम भी गेम में आया। अभी 7 लगा है तो इसका होम भी तो गेम में आना चाहिए, लेकिन ऐसे तुक्केबाजी से थोड़ी गेम बनती है। इसको देखना पड़ेगा ये कैसे आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। तो ये देखें दोस्तों, जब ये दो टोटल को प्लस करके 9 बना, तो मिडिल का डिजिट प्लस करेंगे। अभी इसके जो ऊपर दो रिजल्ट है ना, ये 409 के, जहाँ से ये 0 दोनों टोटल को प्लस करके 9 बना और लास्ट में 9 डिजिट लगा, तो इसके पीछे 0 है, इसके ऊपर जो है 1 है और उसके ऊपर 7, तो ये तीनों को प्लस करेंगे तो ये तीनों का क्या बनेगा दोस्तों? 7, ठीक है, 6 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 7 के। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो ये 4 प्लस 4 का जब 8 बना, तो फिर मिडल में ये 3 लगा था मिडल में, तो इसके ऊपर 4 और, सॉरी दोस्तों, बीच में मैं इंटरनेट डिस्कनेक्ट करना भूल गया, और हमारे जो भाई हैं ये एक दिन में उठा के आपको इस आसमान पे ले जाते हैं। दो ड्रा अगर आपकी गेम फेल हो जाती है तो ऊपर से ही छोड़ देते हैं और इतनी ज़ोर से ज़मीन पे पटकते हैं भाई लोग। ये लॉटरी है, गेम है, कभी फेल कभी पास। लेकिन हर आदमी का अपना आइडिया होता है, किसी का, चले छोड़े इन बातों को, फिर लंबी बात हो जाएगी, बहस लंबी हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है। मैं सिंपली बता रहा था कि हाँ, जब ये 9 बना, लास्ट में 9 लगा, तो ये 6 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 7 के, तो ये मिडल में क्या हो गया? 7। और एच में तो आप देख रहे हैं ये 4 9, ये 4 8, तो यहाँ पे 4 7 आना चाहिए, लेकिन उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 4 क्यों आना चाहिए, उसका रीज़न भी होगा ना, ऐसे तो नहीं वो लगा देता थाईलैंड वाला। जब ये 9 बना, 9 लगा, 8 बना, 8 लगा, 7 बना और 7 लगा, तो एच में 4, एच में 4 और अभी एच में 4, तो एच में 4 क्यों आना चाहिए? जब ये 9 लगा तो 3 डिजिट का बना 7, जब ये 8 लगा तो 3 डिजिट का बना 7। तो अभी दोस्तों, जब ये 7 लगा तो यहाँ पे सॉरी 1 प्लस 4 प्लस 2, यहाँ पे 2 आएगा दोस्तों, तो ये बनेगा 7, ठीक है। अभी 9 लगा तो उसका होम गेम में, 8 लगा तो उसका होम गेम में, अभी 7 लगा तो उसका होम भी गेम में आना चाहिए। ये तो होगी बात सीधी सीधी। अभी हम इसको एक और एंगल से देखते हैं, क्योंकि सब एंगल से देखना पड़ता है कंफर्म करने के लिए यार, ये पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो देखें दोस्तों, जब ये 0 लग के 3 डिजिट का 7 बना, तो एच में क्या आया? 4। तो ये ऊपर 6 था और ये 4, इन दोनों को प्लस किया तो बना 0। क्या हुआ?
ये दोनों को प्लस करके बना जीरो, तो यानी कि सिंपल वे में देखेंगे तीनों को प्लस करके बना सेवन, तो नीचे लगा जीरो, सेवन बनाने के लिए लगा जीरो, और जीरो जब बना तो ये दो को प्लस करके जीरो भी बना, यानी एक दूसरे को ये जस्टिफाई कर रहे हैं दोनों डिजिट आपस में। नाइन तो आपको पता है कहाँ से आया, अभी 6 + 4 = 0 का, तो जब ये जीरो लगे तो ये तीनों का सेवन भी बने, फिर नाइन का होम भी गेम में आना चाहिए एक स्टेप। अभी सेकंड स्टेप में देखें, जब ये एट बना दोनों टोटल का और लास्ट में एट लगा, तो अभी तीन डिजिट को प्लस करके बना सेवन। अभी हम चेक करेंगे ये, और सेवन बनाने के लिए लगा यहाँ पे एट के साथ थ्री, थ्री लगा तो ये 9 + 4 = 3 के, ठीक है। अभी ये दोनों जस्टिफाई कर रहे हैं एक दूसरे को, अभी ये भी थ्री बना और थ्री लगा मिडिल में, जैसे ये 6 + 4 = 0, 6 + 4 और फोर लग के ज़ीरो बना, तो ये ज़ीरो लगा मिडिल में, तो ये तीनों का बना सेवन। इसी तरह जब ये थ्री लगा मिडिल में तो बना सेवन, तो ये थ्री यहाँ से भी बनना चाहिए था, और फोर लग के 9 + 4 बना, 9 + 4 = 3 के, तो मिडिल में थ्री, जब थ्री लगे तो ये तीनों का सेवन भी बनना चाहिए, और एच में क्या आना चाहिए, फोर, जैसे यहाँ पे फोर आया यहाँ भी फोर आया। अभी यही चीज़ देखें यहाँ पे कि जब ये 1 + 4 + 2 = 7 बनाने के लिए चाहिए हमें टू, और अभी टू को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे फोर ही चाहिए, 8 + 4 = 2 के, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों कंफर्म करती हैं कि ये चीज़ कितनी स्ट्रोंग है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, और दोस्तों बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बार बार कॉल्स करते हैं, मुझे डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि मैं बहुत काम करता हूँ, मुझे टाइम नहीं होता मेरे पास, तो मुझे स्पेशली नाइट के टाइम, मैं अगर ज़रूरी बात करनी है पहले आप मैसेज कर दें, जब मैं बोलूँगा ठीक है भाई कॉल कर लो, कोई बात नहीं, जब मैं फ्री होता हूँ मैं कर लेता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई बड़ा नहीं होता या छोटा नहीं हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास टाइम कम होता है। अभी मैं सब लोगों के साथ अगर बात करूँगा तो उसका प्रॉब्लम ये होगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं गेम देखता हूँ, फिर और भी काम होते हैं यार, तो अभी हज़ारों आदमी हैं, तो किस किस को मैं रिप्लाई करूँगा और कैसे रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों यही बात है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।